हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ पंकज भार्गव। आज है 2 मई और दीदी बंगाल में फिर से आ गई। एक बार फिर ममता बनर्जी ने बंगाल में बड़ा खेला कर दिया है। तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, जिसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने अब तक के रुझानों में डबल सेंचुरी लगा दी है। वहीं बीजेपी की शुरुआत धमाकेदार रही, लेकिन नंबर कम होते चले गए और बीजेपी 85 सीटों पर सिमटती हुई अब दिख रही है। सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा कांग्रेस और लेफ्ट के लिए, जिनका खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी भी नंदीग्राम में दिलचस्प लड़ाई दिख रही है, जहां ममता बनर्जी 14वें राउंड में शुभेंदु अधिकारी से 2000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही, यानी यहां कांटे की लड़ाई थी और सब कुछ नंदीग्राम पर एक तरह से केंद्रित नजर आ रहा था, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट थी जहां दीदी ने चैलेंज स्वीकारा था और उन्होंने कहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। भवानीपुर सीट छोड़कर वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ी और पहले शुरुआती हमने देखा फेज में शुभेंदु अधिकारी लीड लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कांटे की टक्कर चल रही है। अभी 2000 मतों से आगे चल रही है दीदी। देखना होगा नंदीग्राम का फाइनल रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दीदी की साख दांव पर है। दीदी ने इस चैलेंज को स्वीकारा था, बीजेपी ने जो चैलेंज किया था, और अभी 2000 मतों से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है, लेकिन यह ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। पहले शुरुआती फेजेस में हमने देखा काफी देर तक कंसिस्टेंसी नजर आ रही थी शुभेंदु अधिकारी के प्रदर्शन में, लेकिन अब वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, यानी 2000 मतों से अभी ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। अब जरा हम पहले फेज की बात कर लेते हैं, जहां 30 सीटों के लिए मतदान हुआ। तो आप ये देखें कि अब ये पूरा हरे रंग में नजर आ रहा है, ये पूरा फर्स्ट फेज। अगर आप देखें 30 सीटों की अगर हम बात करें, तो कांती उत्तर में बीजेपी प्लस आगे चल रही है, जबकि खेजुरी में बीजेपी प्लस आगे चल रही है। वहीं अगर बागमुंडी की बात करें, जयपुर की बात करें, काशीपुर की बात करें, छतना, उसके अलावा पाड़ा, ये शेड्यूल कास्ट सीट है। और नीचे रानीबंद की अगर हम बात करें, एसटी सीट है। यहां पर आप देखें कि छतना की बात करें, बीजेपी प्लस जो आगे चल रही है, आप देखें कि यहां बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बाकी आप देखें फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो 30 की 30 सीटें जो है उसका लेखा जोखा यहां आप इस वक्त इस बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप यहां देखें कि ज्यादातर सीटों पर केवल हरा रंग नजर आ रहा है, जो कि टीएमसी का है। तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन यहां फर्स्ट फेज में टीएमसी करती नजर आ रही है। हालांकि यहां अगर इस फर्स्ट फेज की हम बात करें, तो अमित शाह ने जरूर यह कहा था कि हम यहां पर 30 में से 27 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ है। और अब आप यहां देखें कि यहां हरा रंग नजर आ रहा है, यानी शानदार लीड लेती हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज क्या कहता है? इस सेकंड फेज में आपको बता दें नंदीग्राम की सीट भी आती है। जब हमने आपको कहा कि सबकी नजरें जो थी वो नंदीग्राम पे टिकी हुई थी, तो जरा मैं आपको ये सेकंड फेज दिखाऊंगा, जहां पर 30 सीटों के लिए ही मुकाबला था। सेकंड फेज क्या कहता है, जरा अब उस पर एक बार नजर डाल लें। नंदीग्राम ये सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी सीट थी। आप देखें कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था, हमने अमित शाह को भी सुना था, गृहमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि हम 27 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम ठीक उसके विपरीत आ रहा है। तो आप यहां देखें जो शुरुआत है, यानी ओपनिंग बॉल जिसको कहते हैं, वहीं शानदार प्रदर्शन करती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। तो कम से कम फर्स्ट फेज में आप देखें क्लैरिटी है पूरी तरह से कि तृणमूल कांग्रेस लीड बनाती हुई नजर आ रही है, यानी आपने पहला ही ओवर जो है शानदार तरीके से खेला है, ये कम से कम फर्स्ट फेज जरूर कह रहा है। आप देखिए यहां पर तमाम जो सीटें हैं वहां आप देखिए कि सारी जगह आपको हरा रंग नजर आ रहा है, और ये बिल्कुल ये कहता है कि जो नैरेटिव सेट तृणमूल कांग्रेस ने किया था उस पर खरी उतरती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। और यहां पर बीजेपी को लोगों का मन भांपने में शायद जरूर कुछ गलती हुई है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप देखें जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं में, वो ये कह रहे थे कि जो फर्स्ट फेज है वो ही डिसाइडिंग होगा, यानी फर्स्ट फेज में हमें 27 सीटें मिल रही हैं। तब उन पर उंगलियां भी उठी थी बीजेपी के तमाम नेताओं पर। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, और शिकायत वो ये होगी कि क्या पहले से ही उन्हें नतीजों का पता है। तो आप देखिए यहां पर ठीक उलट वो कहानी हो गई जो बीजेपी ने कही थी, 27 सीटों की बात कही थी कि हम फर्स्ट फेज में 27 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन अब आप देखें यहां पर आप तमाम सीटों को देखें, पोताशपुर की बात करें, कांथी दक्षिण की बात करें, भगवानपुर की बात करें, रामनगर की बात करें, इगरा, दांटन, नयाग्राम, गोपी वल्लभपुर, झाग्राम, कोशियारी, ये तमाम
तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का रंग नजर आ रहा है। आप देखें खड़गपुर, गड़बेटा, सलवानी, मेदनीपुर, बिनपुर और बंदवान, आप यहां देखें हर तरफ आपको हरा रंग नजर आएगा। अब जरा फर्स्ट फेज की हमने बात कर ली, सेकंड फेज की बात करते हैं जहां नंदीग्राम वीआईपी सीट भी है। ये सेकंड फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां पर भी बीजेपी ने यही बात कही थी कि हम यहां पर भी जबरदस्त तरीके से लीड लेंगे। लेकिन आप देखिए नंदीग्राम पर आप नजर डालिए, नंदीग्राम ये वो सीट है जहां चैलेंज को स्वीकारा था दीदी ने। उन्होंने कहा था कि मैं भवानीपुर छोड़ रही हूं और भवानीपुर, और अब आपको बता दें कि अब थोड़ा यहां पर फिर से आगे पीछे का खेल चल रहा है। सुबह हमने देखा लगातार शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, एक बार फिर से यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। यानी आगे पीछे का खेल लगातार चल रहा है, यहां पर अभी हरे रंग में जरूर दिख रहा है क्योंकि ममता बनर्जी 2000 सीटों से आगे चल रही थी, लेकिन अब फिर से पलटा है मामला, यानी फिर से थोड़ी सी ज्यादा जो है वो लीड नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी फिलहाल फिर से आगे चल रहे हैं। यानी ये देखिए आप कांटे की टक्कर है, और इस नंदीग्राम पर ममता बनर्जी जो थी 5 दिन वो यहां बैठी रही, उन्होंने डेरा डाले रखा। यानी एक मुख्यमंत्री जो है वो इस सीट को लेकर कितना चिंतित था, वो लगातार यहां बैठी रही, 5 दिन डटी रही और यहां से हिली नहीं वो। तो इसलिए बहुत कुछ साख पर नंदीग्राम में भी है, क्योंकि अगर नंदीग्राम का चुनाव वो हारती है तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो कहने को होगा, क्योंकि उनको वो बार बार ये कह रहे थे कि उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है शुभेंदु अधिकारी का, तमाम बीजेपी के नेता कह रहे थे। तो यहां पर बहुत कांटे की लड़ाई जो है वो लगातार चल रही है। आप देखें नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर आगे पीछे का खेल चल रहा है, और नंदीग्राम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नंदीग्राम में अब आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण बड़ी खबर। 6 वोटों से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो आप देखिए अब आखिरी राउंड की काउंटिंग चल रही है, यानी बहुत ही जल्द यहां रिजल्ट सामने होगा कि ममता जीतेंगी या फिर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। अभी फिलहाल 6 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो ये आप देखिए कितना दिलचस्प ये राउंड चल रहा है, आखिरी राउंड जहां केवल 6 वोटों से अभी शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। अब जरा हम फेज 3 की बात कर लें, 31 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई थी। अब अगर आप देखें पूरा का पूरा हरा रंग नजर आ रहा है, केवल 3 सीटें यानी गोघाट जो कि शेड्यूल कास्ट सीट थी, उसके अलावा खानकुल और पुरसुरा, ये 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी और बीजेपी प्लस आगे चल रहे हैं। लेकिन आप बाकी जगह अगर नजर डालें, निगाह डालें, तो उल्लुबेरिया उत्तर उल्लुबेरिया, दक्षिण श्यामपुर, बगना, नामता, बिष्णुपुर, सतनागीछा, ये तमाम जगहों पर जो है तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। आप पहले से नजर डालें, यहां पर आप देखें बसंती, कुलठाली, कुलपी, रायदीघी, मंदिर बाजार और जयनगर, बुरईपुर पूर्व और बुरईपुर पश्चिम, कैनिंग पश्चिम, यहां पर आप तमाम जगहों पर अगर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि थर्ड फेज पूरा क्लैरिटी के साथ तृणमूल कांग्रेस के खाते में नजर आ रहा है। यहां 3 फेज की अभी तक हम बात कर चुके हैं, और आप देखेंगे कि तीनों फेजेस में यानी कहीं ना कहीं वोटर्स का मन भांपने में, वोटर्स को समझने में तमाम जो नेता है बीजेपी के उनसे चूक जरूर हुई है, क्योंकि दीदी पर भरोसा जताया है लोगों ने। यह कम से कम तीसरा फेज बिल्कुल यही बात कह रहा है। अब जल्दी से हम जरा अगर आपको चौथे फेज का हाल बता दें कि चौथा फेज क्या कह रहा है, फोर्थ फेज 44 सीटों पर यहां पर मुकाबला था, और आप यहां देखें कि इधर भी हालांकि लीड लेती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी यहां पर अगर आप देखें उपस्थिति नजर आ रही है। माथाभंगा जो शेड्यूल का सीट थी वहां पर बीजेपी आगे है। सीतलकुची ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां आप देखें किस तरह से जो है वो गोली चली थी, और उसके बाद सीआरपीएफ को लेकर बहुत सारी बातें ममता बनर्जी ने की थी। तो यहां आप देखें यहां पर भी हमने सुबह देखा था कि तृणमूल कांग्रेस लीड बनाई हुई थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहां सीतलकुची में जो है बीजेपी आगे चल रही है। सिताई, दिनाहाटा, नाटाबाड़ी, उसके अलावा आप देखें तूफानगंज, कुमारग्राम, कालचीनी, अलीपुरद्वार, फलकाटा और मदरियाहाट, ये तमाम जगहों पर बीजेपी आ गए। सोनारपुर उत्तर में बीजेपी आ गए, हावड़ा उत्तर में भी बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे इस पूरे फेज को अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखें अभी तक हमने 4 फेजेस की बात की है। पहले 30 सीटों के लिए पहले फेज में चुनाव हुआ, दूसरे में जो है वो भी 30 सीटों पर हुआ, फिर 31 सीटों पर, और चौथा फेज 44 सीट्स पर यहां पर वोटिंग हुई थी। लेकिन आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस पहले 4 फेजों में लीड बनाती हुई नजर आ रही है, और यही कारण है कि 200 प्लस का आंकड़ा छू लिया है, और 206 सीटों पर इस वक्त आप साफ देख सकते हैं कि
तृणमूल कांग्रेस ने लीड बनाई हुई, यानी जो 200 प्लस की बातें बीजेपी कर रही थी उसके ठीक विपरीत ये प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस। और यहां आपको बता दें, थोड़ी देर में ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। नंदीग्राम के नतीजों का बस इंतजार है, क्योंकि वहां आखिरी राउंड की वोटिंग चल रही है। हैट्रिक जीत पर ममता बनर्जी की बात आपको सुनवाएंगे। फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।